देर रात ढाबे में पहुंचकर रौब झाड़कर खाना मांग रहे युवकों को इनकार करना ढाबा संचालक को महंगा पड़ा है। कार युवकों ने ढाबा संचालक का पीछा किया और सुनसान जगह पर उसे रोक कर उसकी बेदम पिटाई कर डाली। ढाबा संचालक को मरणासन्न हालत में देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सतना शहर के बाहरी छोर पर सतना नदी के पास मेघराज ढाबा चलाने वाले अजय जायसवाल पिता अनंत राम जायसवाल निवासी जवाहर नगर गली नंबर 2 पर बीती रात लगभग 1:30 बजे बेलेनो कार सवार आधा दर्जन युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। जिस वक्त अज्जू पर हमला हुआ, वह अपनी बुलेट से अपने घर वापस जा रहा था। हमलावरों में शुभम सिंह हाटी, आशीष शर्मा व 4 अन्य शामिल बताए जाते हैं। अजय जायसवाल उर्फ अज्जू पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से सतना नदी के पास मेघराज ढाबा का संचालन कर रहा है। बीती रात लगभग 1 बजे शुभम सिंह और आशीष शर्मा 4 अन्य साथियों समेत उसके ढाबे में पहुंचे और खाना खिलाने के लिए कहने लगे। जिस वक्त वे पहुंचे, ढाबा बंद हो चुका था और अज्जू भी घर जाने के लिए निकल रहा था, लिहाजा उसने खाना खिला पाने पर असमर्थता जताई। कार सवार युवक इतना ही सुनते ही भड़क कर गाली गलौज करने लगे, जिसे अनसुना कर अज्जू अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। लेकिन शुभम वगैरह ने उसका पीछा शुरू कर दिया और कुछ दूर पहुंचने पर उचवा टोला मोड़ के पास उसका रास्ता रोककर मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने अज्जू पर धारदार हथियार से भी हमला किया और उसके पास रहे ढाबा की बिक्री के 13,000 रुपए नगद तथा मोबाइल फोन भी लूट लिया। पीछे से आ रहे ढाबा के अन्य कर्मचारियों ने लहूलुहान पड़े अज्जू को देखकर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उसे देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की रिपोर्ट अस्पताल चौकी से तहरीर पहुंचने पर थाना में दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।